भाई साहब, कल की 2898 इस साल की जाइगेंटिक मैमथ ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। और प्रभास की कोई भी मूवी जब आती है, आने से पहले ही वो फुल चर्चे में रहते हैं, चाहे छोटी से छोटी अपडेट ही क्यों ना हो। तो अभी मैं बहुत सी अपडेट ले गया हूँ इस मूवी के बारे में, लेकिन साइमल्टेनियसली ऑफ दिस टॉपिक भाई कुछ और मूवीज भी हैं जो जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं, लाइक शाहरुख खान और संदीप रेड्डी वांगा का कॉम्बो होने वाला है क्या, इस पे भी बात निकल रही है। अटली कुमार दोबारा से शाहरुख खान के साथ मूवी बनाना चाहते हैं, जवान तो बनाई, उसका सिक्वल भी आएगा, लेकिन उससे भी बिगर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात चल रही है। देन उसके बाद भाई पठान टू के क्या हाल चाल चल रहे हैं, उस पर भी, क्योंकि पोस्टर अभी रिलीज हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन क्या करना है, पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। कल की 2898 से जुड़ी बहुत सी बड़ी बड़ी बात, मतलब इसके सॉन्ग्स पर काम चल रहा है। देन उसके बाद एक ताज़ा ताज़ा ये निकल गया है कि 26 फरवरी यानी आज 24 फरवरी है, परसों को हमें कुछ बड़ा ताज़ा धमाकेदार मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, क्योंकि 8 मार्च को टीजर का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो टीजर तो हमें मिलेगा, लेकिन परसों को क्या मिल सकता है, जाहिर सी बात है कोई पोस्टर ही निकलने वाला है जो दमदार होगा। बिल्कुल भाई, इसके लिए एक्साइटमेंट है कि कैसा पोस्टर हो सकता है। अभी तक बहुत कुछ रिवील आउट कर दिया है पोस्टर में, और क्या रिवील आउट हो सकता है। बाकी बिग अपडेट ये भी आ रही कि मासी आइटम सॉन्ग्स पर भाई काम चल रहा है, जो हमें कुछ टाइम बाद ही देखने को मिल जाएगा। दूसरा, जो VFX कंपनी कल की 2898 के VFX को डिजाइन कर रही है, वो रिसेंटली ऑस्कर विनिंग कंपनी है, जिसने ड्यून मूवी के लिए विजुअल इफेक्ट दिए थे, और ऑस्कर ड्यून मूवी ऑस्कर लेके आई थी अपने विजुअल इफेक्ट के दम पर। जो कंपनी वहां कौन सी थी, DNEG, जिसकी CEO है नमिता मल्होत्रा। तो भाई VFX के मामले में ये ट्रस्ट जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिस्टोपियन एरा की कोई भी मूवीज ले लो भाई, वो सिर्फ विजुअल इफेक्ट VFX के दम पर ही हिट जाती हैं। और कल की 2898 में जब ऐसा ट्रस्ट जुड़ेगा, ऐसा सॉलिड ट्रस्ट, तो भाई ट्रस्ट तो बनता ही है और एक्साइटमेंट भी बनता ही है। तो अब यहाँ बात ये आती है कि भाई ये मूवी कमाई कितनी करके लेके चले जाएगी, क्योंकि ये मूवी पहले ही 3 पार्ट पे आनी है, जिसका सेकेंड पार्ट के लिए भी टाइटल अनाउंसमेंट आया है, बट र्यूमर्स है या ऑफिशियल है, इस पे कोई ठोस सबूत नहीं है। क्योंकि सेकंड टाइटल के लिए 3102 BC द एक्सट्रीम पास्ट ये बताया जा रहा है। बाकी भाई अपने प्रभास भाई 2-3 अवतार में भी देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है, बात मुद्दे की ये आती है, क्योंकि सब कुछ इसके फेवर में ही जा रहा है और फैंस जो है वेट तो कर ही रहे हैं। तो 2000 करोड़, 3000 करोड़ कहना बहुत छोटा अमाउंट है क्या, मे बी छोटा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि भाई VFX का खेल बहुत अच्छा होने वाला है इस पे। सेकंड भाई, ये गिवन न्यूज निकल कर आ रही है कि शाहरुख खान जो है संदीप रेड्डी वांगा के साथ कोलैब करने वाले हैं। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें शाहरुख खान एंड संदीप रेड्डी वांगा दोनों एक साथ बैठे हैं, और प्रिडिक्शन सेट करी जा रही है कि ये दोनों आने वाले हैं। लेकिन भाई अगर ऐसा हो गया कि सामने, मतलब आगे ये फ्यूचर में मूवी लेके आएंगे, तो जो नेगेटिविटी इन दोनों के अंदर है, अगर आपने 1993 में डर मूवी अगर याद है किसी को, तो जिसमें सनी देओल एज फेस थे भाई, वो मूवी शाहरुख खान की थी, उन्होंने अपने नाम किया था एज नेगेटिव रोल। वो नेगेटिविटी अगर संदीप रेड्डी वांगा की नेगेटिविटी के साथ और ज़्यादा प्लस हो जाएगी, तो आप सोच सकते हो कि एनिमल का पाप निकलने में इसे बिल्कुल भी कमी नहीं लगेगी। तो इसके लिए एक्साइटमेंट है। पठान 2 का अनाउंसमेंट हो गया है, जो इस साल के लास्ट में अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी इसकी शूटिंग, जो बहुत की मूवी होने वाली है यशराज फिल्म्स वालों की, जहां पर से बहुत सी नई कहानियां गढ़ने वाले हैं ये, और विलेन कौन कौन होने वाले हैं, नए नए विलेन यहां से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, साथ में स्पाई यूनिवर्स में कुछ नए चेहरे भी जुड़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी वेट है भाई। बाकी अटली कुमार दोबारा से चैलेंज कर रहे हैं ऑडियंस को, फैंस को, कि भाई जवान तो क्या थी, अभी जब हम आएंगे नए प्रोजेक्ट के साथ, तो उससे भी धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि 2023 में अगर हम चलें, तो जवान मूवी ने जो तबाही मचाई है, और बॉलीवुड का कमबैक इसे कहें, तो ये जो जोड़ी है इसके नाम वो श्रेय जाता है, क्योंकि ये कमबैक में इसका बहुत बड़ा रोल था, जो 1150 करोड़ की कमाई ये सिर्फ नंबर वन पर निकल कर आए थे। तो इससे बिगर देन क्या हो सकती है, क्योंकि जवान 2 तो आनी ही आनी है, उससे भी बिगर क्या हो सकता है, उसके लिए भी एक्साइटमेंट है। तो फिलहाल इससे जुड़ी और भी कुछ बातें आपको पता है तो नीचे जरूर बता के जाना हमारे साथ। बाकी इन चारों में से कौन सी मूवी के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।